सो लेट नॉट मैथ दियेमिस्ट्री में हम आ गए हैं विद आवर लॉन्ग जर्नी ऑफ कोर्स दो के इनफिनिटी वाली जर्नी है इन फाइनइट जर्नी है फिर से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर सॉल्व करेंगे यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे बिकॉज दिस इज़ द वन फंक्शन एंड दिस इज द सेकेंड फंक्शन जो दो फंक्शन आपस में एक साथ आते हैं तो हम यूज करते हैं द ग्रेट प्रोडक्ट रूल ठीक है तो प्रोडक्ट रूल मैंने काफ़ी डिटेल से बताया बार बार बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से आ जाए सबसे पहले मेथड नंबर वन हैश टैग एम वन को हम मेथड नंबर वन बोलेंगे आपको पता है आई डोंट लाइक ज्यादा राइटिंग तो इसीलिए हम सिर्फ एम यूज़ करेंगे मैथड कोई पूरा लिखने में ना मेरा दिल नहीं करता देखें ऐसे भी लोग होते हैं ठीक है चलिए आप मेरे तो ना बनेगा पूरा मेथड लिखिएगा <laughs> आगे बढ़ते हैं लेट्स टेक द इनडायरेक्ट मेथड ठीक है लेट करेंगे U है हमारे पास नाइन एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू के इक्वल ये वाला ठीक है नौ u डैश निकालेंगे तो टू नीचा आ जाएगा तो नाइन मल्टीप्लाई बाई टू और x की पावर टू से माइनस वन करेंगे तो वन आएगा वन नहीं लिखेंगे माइनस एक्स का डेरिवेटिव वन सिक्स आ जाएगा ठीक है तो ये क्या हो गया नाइन टू ज़ार वट नाइन टू ज़ार एटीन एक्स माइनस सिक्स तो यू डैश हमारे पास एटीन एक्स माइनस सिक्स आ गया नाउ लेट वी इक्वल टू ई की पावर थ्री एक्स ठीक है तो वी डैश इक्वल टू कॉन्सटेंट की जो वैल्यू है वो बेस में आ जाएगी एक्सपोनेंट की कैसे कॉन्सटेंट कौन सा है थ्री है तो थ्री ई की पावर थ्री ऑफ एक्स ओके पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन कॉन्सटेंट वैल्यू एक बार नीचे ज़रूर आएगी ये नीचे ना आती है ताकि ये कर सके क्या ये कर सके मस्तियां ठीक है ये आती है नीचे फॉर ट्रैवलिंग ठीक है ट्रैवलिंग करके चली जाएगी फिर चलिए चलते हैं अपने मेथड की तरफ हम लिखेंगे अप्लाइंग डी बाय डी ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स तो ये हो जाएगा वाई डैश इक्वल टू यू वी डैश प्लस वी और यू डैश ठीक है तो ये हो जाएगा हमारे पास या तो आप ये लिखें देखें मैंने आपको बोला ना दोनों में कोई फर्क नहीं होता या तो आप ये लिखें जो फर्स्ट टाइम मैंने यूज किया था यू डैश वी प्लस यू वी डैश ठीक है दोनों में कोई फर्क नहीं है आंसर विल बी द सेम वी यू डैश क्या है एटीन एक्स माइनस सिक्स ठीक है वी क्या है वी है ई की पावर माइनस थ्री एक्स प्लस यू क्या है ये रहा मैं नीचे लिख मेरे पास अब जगह नहीं हो रही चलो मैं नीचे लिख देती हूँ यू क्या है नाइन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू वी डैश क्या है ये रहा थ्री ई की पावर थ्री ऑफ एक्स ठीक है अब इनकी ज़रूरत तो नहीं है तो इनको मैं हटा देती हूँ ताकि हम अपनी कैलकुलेशन आज़ादी से कर सकें ठीक है ना आगे बढ़ते हैं इसको कैलकुलेट करेंगे आपस में ठीक है इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो चलिए देखते हैं मल्टीप्लीकेशन से हमारे पास क्या आता है ये हो जाएगा एटीन एक्स ई की पावर माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स ई e की पावर माइनस थ्री एक्स प्लस अपनी जगह पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री नाइन से क्या आता है ट्वेंटी सेवन हो जाएगा ट्वेंटी सेवन एक्स स्क्वेर ई की पावर थ्री एक्स अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो थ्री सिक्सा क्या होता है थ्री सिक्सा आता है हमारे पास एटीन एक्स ई की पावर थ्री ऑफ एक्स ठीक है ये थ्री एक्स पॉजिटिव थ्री एक्स है कि माइनस थ्री एक्स है सिर्फ थ्री एक्स है माइनस थ्री एक्स नहीं है मैंने ऐसी गलती से इधर माइनस लगाया था ठीक है एक बार फिर से मैं बुक में चेकआउट कर लेती हूँ हाँ ये पॉजिटिव ही है मैंने गलती से लगा दिया तो आप फिर से देख लीजिए ये जो पावर है ये माइनस में नहीं है ये पॉजिटिव पावर है ठीक है मैंने गलती से यहाँ पर लगा दिया था अच्छा ये हो गया अब थ्री को टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे थ्री टू जर सिक्स आएगा प्लस सिक्स ई e की पावर थ्री एक्स हो गया नाउ हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है ये देखिए ये है हमारे पास थ्री एक्स ठीक है ये माइनस एटीन ये प्लस एटीन कैंसिल ये माइनस ये प्लस कैंसिल हमारे पास वाई डैश का आंसर क्या आता है ट्वेंटी सेवन एक्स स्क्वायर ई की पावर थ्री ऑफ एक्स एंड डेट्स ऑल हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर आ चुका है हो गया नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं अपनी मेथड नंबर टू की तरफ जिसमें हम अप्लाई करते हैं डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट रूल तो क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से यहाँ पर जो है लिख लेती हूँ क्वेश्चन था वाई इक्वल नाइन एक्स स्क्वेर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू ई की पावर थ्री ऑफ एक्स ठीक है चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट जो है क्या नेक्स्ट मेथड की तरफ हाँ नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा वाई समथिंग अब बढ़ते हैं देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करेंगे हम लिखेंगे प्रोडक्ट रूल y डैश इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन बोलूंगी इसको फर्स्ट फंक्शन इन टू डेरेवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन सेकेंड फंक्शन का डेरेवेटिव क्या होता है थ्री इ की पावर थ्री ऑफ एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इन टू डेरेवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डेरेवेटिव क्या होता है नाइन टू जार नाइन टू जार हमारे पास होता है एटीन एक्स स्क्र और ये हो जाएगा माइनस सिक्स ठीक है अब इसको सब को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ट्वेंटी सेवन एक्स स्क्वायेर ई की पावर थ्री एक्स ये हो जाएगा एटीन एक्स ई की पावर थ्री एक्स प्लस ये हो जाएगा सिक्स थ्री जा जो हो जाएगा से नहीं थ्री टू जा जिक्स ई की पावर थ्री ऑफ एक्स और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले लिखना पड़ेगा एटीन एक्स स्क्वायर ई की पावर थ्री एक्स माइनस सिक्स ई की पावर थ्री एक्स अब फिर से देख लीजिए हमारे पास कैंसिल आउट होंगे माइनस प्लस प्लस माइनस हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा ट्वेंटी सेवन एक्स स्क्र ई की पावर थ्री ऑफ एक्स एंड देर सोल्व अब इसके बाद हम जो है दो मैथड नहीं करेंगे अब मैं डायरेक्ट ये वाला मैथड जो है यूज करूँगी बिकॉज आई लाइक दिस मैथड बिकॉज वी आर प्रो ठीक है तो जिनको फर्स्ट मैथड करना है वो फर्स्ट मैथड को एक बार देख लीजिए एंड हर क्वेश्चन में फिर वो अप्लाई कर सकते हैं और अब हमने काफी ज्यादा क्वेश्चन में फर्स्ट मैथड कर लिया इनडायरेक्ट मैथड तो बस अब आप ही जो है जो न्यू है वो लोग भी अभी वाला मैथड अप्लाई करें ताकि जल्दी जल्दी जो है आप लोग प्रोडक्ट रूल को सीख लें ठीक है तो अब इस मैथड को ट्राई कीजिएगा नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव पर विदाउट एनी डिले ट्वेंटी क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि वाई है इक्वल टू e की पावर ऑफ थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अब जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है विद द पावर ऑफ थीटा नाउ यहाँ पर भी जो है हमारे पास क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा तो चलिए यूज करते हैं एंड इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे अप्लाइंग डी बाय डी ऑफ थीटा अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स ठीक है तो ये हो जाएगा वाई डैश इक्वल टू अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन ये है ये है सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरेवेटिव सेकेंड फंक्शन साइन का डेरेवेटिव क्या होता है कॉज होता है और कॉज का डेरेवेटिव क्या होता है माइनस साइन ठीक है ये हो गया प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरेवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट फंक्शन के डेरेवेटिव डी ऑफ थीटा ही होता है चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको ई e की पावर थीटा था कॉज ऑफ माइनस इ e की पावर थीटा साइन ये हो जाएगा साइन क्या थीटा प्लस ये हो जाएगा ई e की पावर थीटा साइन थीटा ये हो जाएगा प्लस ई e की पावर कोस ई e की पावर थीटा कोस थीटा ठीक है लेट्स सी क्या क्या हो सकता है प्लस इनटू माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारे पास एक ये और एक ही जब दो चीजें एक जैसी होती है तो हम क्या करते हैं उसका बेस जो है वो हम प्लस कर देते तो हैं इन दोनों का बेस प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा टू ई e की पावर थीटा कॉज ऑफ थीटा इज अवर द डेरिवेटिव ऑफ द केवन फंक्शन होप के सबको समझ आ गई होगी नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन